नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अनुच्छेद 370 और 35 ए पर बोली अभिनेत्री अनारा गुप्ता, अब विकास की मुख्यधारा से जुड़ेगा जम्मू कश्मीर। वे जम्मू कश्मीर रह चुकी अनारा अनुच्छेद 370 और 35 ए के हटने की खुशी में जाएंगी वैष्णो देवी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाए जाने पर देश भर में खुशी का माहौल है। ऐसे में मिस जम्मू रह चुकी भोजपुरी अभिनेत्री अनारा गुप्ता ने आज पटना में अपनी खुशी का इजहार किया और कहा कि अनुच्छेद 370 और 35 ए की वजह से जम्मू कश्मीर का विकास की मुख्यधारा से दूर था, लेकिन अब इसके हटने से चीज़ें बदलेंगी। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर में रहती हूँ, पहले वहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ के लोगों के पास कोई स्कोप नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार के इस जायज फैसला लिया है, जम्मू कश्मीर का भी विकास होगा। आपके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं इस खुशी के मौके पर वैष्णो देवी जाकर माता का आशीर्वाद लूंगी। जम्मू की बेटी अनारा गुप्ता ने कहा कि इस फैसले का क्या फायदा होगा, यह कोई समझ नहीं पाएगा, यह वही समझ पाएगा जो वहाँ रहते हैं। जम्मू और कश्मीर के स्थानीय निवासियों के लिए यह बहुत बड़ी चीज़ हुई है। मैं जम्मू की एक बात बताती हूँ कि जम्मू में सरकारी नौकरियों से लेकर अन्य चीज़ों का लाभ वहाँ रहने वाले हिंदुओं को चौथे नंबर पर मिलता था, वो भी आसानी से नहीं, हमें अपने हकों के लिए लड़ना पड़ता था, लेकिन अब अनुच्छेद 370 के हटने के बाद चीज़ें बदलेंगी और सही मायने में इक्वलिटी होगी, हर चीज़ फेयर होगी। अनारा के जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के फैसले का भी स्वागत किया और कहा कि मैं जम्मू कश्मीर से ज़्यादा लद्दाख के लिए खुश हूँ। वैसे आज लद्दाख को देश भर में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि लद्दाख नक्शे पर एक छोटा सा जगह है, लोग वहाँ भी रहते हैं, उनकी भी ज़रूरतें हैं। वहाँ के लोग पढ़ाई के लिए जम्मू आना पड़ता है, सौ सुविधाएँ नहीं है। अगर देखा जाए तो लद्दाख किसी गाँव से पिछड़ा इलाका है। अनारा ने लद्दाख के सांसद युवा सांसद द्वारा लोकसभा में दिए गए भाषण को अक्षरक्षर सही बताया। उन्होंने कहा कि 370 हटने और दोनों राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद वहां बदलाव की नई कहानी लिखी जाएगी। माता वैष्णो देवी के दर्शन को मैं जल्द ही देने वाली हूं। मेरा मानना है कि स्वतंत्र भारत, विकसित भारत और एक भारत बिना जम्मू कश्मीर के विकास के कैसे संभव होगा। जम्मू कश्मीर के विकास में बाधा थी अनुच्छेद 370। उन्होंने बताया कि उनकी माँ भाई सभी जम्मू में है और जम्मू के लोग सरकार के इस फैसलों से बेहद खुश हैं। सरकार ने भले ही एहतियात कर्फ्यू लगा दिए हैं, लेकिन अब कर्फ्यू में ढील दी गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ सालों के बाद जम्मू कश्मीर की पहचान विकास और सकारात्मक चीज़ों के लिए होगी।